अच्छे डिजाइन है, हमारे कारीगर को दिखा दो, देखते वो लोग क्या कहते हैं। ठीक है बाबूजी। यो बेटा, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, खाना उन लोगों के साथ ही खा लूंगा, मेरा इंतजार मत करना। जी। मैं भी खाना खा लेता हूँ। हाँ, मेरा टिफिन लगता है जल्दबाजी में घर पे ही भूल गया हूँ, चल इसे मंगवा लेता हूँ, भूख भी बहुत लग रही है। अक्षरा, आप भूल गई ना? भूलने की आदत तो आपको पड़ती जा रही है, मुझे नहीं। बहुत जोर से भूख लग रही है, अब मुझे कैंटीन से एक सैंडविच मंगा के खाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, गर्मा गर्म खाना मिलेगा ना, और वो भी मेरे हाथों से। अक्षरा, आप मजाक मत कीजिए, जल्दी से मेरा टिफिन भिजवा दीजिए, और वो सब मत कहिए जो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हो गया ना? अपने हाथों से खिलाने का वादा किया है, उसे पूरा भी करूंगी ना। आइए बैठिए। चलिए। वैसे आपकी नई डिजाइनर दिखाई नहीं दे रही है, उनसे नहीं मिलवाएंगे? वो फ्रीलांसर है ना, तो रोज रोज ऑफिस बैठने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, रोज नहीं आती हैं? आप अचानक से कैसे आ गए? माँ ने मुझे कुछ सिक्के पॉलिश करवाने के लिए दिए थे, तो मैंने सुनार के पास छोड़ दिए, सोचा रास्ते में आपको टिफिन भी देती हुई आऊं, फिर लौटते हुए ले लूंगी। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं अपना काम जल्दी से खत्म कर लेता हूँ, तुम साथ में चलेंगे। ओके। बहू नहीं आई अब तक, उसने खाना भी नहीं खाया है। माँ, दादा के टिफिन से खा लिया होगा, और क्या? एक काम करने में इतना समय लगता है, आजकल के बच्चे सोचते भी नहीं। एक फोन तो कर सकती थी। लीजिए, भाभी का ही फोन होगा। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन, राजश्री बोल रही हूँ। राजश्री बहन, राधे कृष्ण, हमें वर्षा की खबर मिली, सुनकर बहुत खुशी हुई, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गायत्री बहन, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार की इस खुशी में आप सब भी शामिल हो। हम पूजा रख रहे हैं और एक छोटा सा समारोह भी, आप सब वर्षा को आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। आप कब रख रहे हैं पूजा? जी अभी तो वर्षा अपने मायके गई है, वापस आ जाए उसके बाद हम शुभ मुहूर्त निकाल के आपको तारीख बता देंगे। जी ठीक है। अच्छा गायत्री बहन, मुझे आप नंदिनी बिटिया का नंबर दे दीजिए, मैं नंदिनी और मोहित जी को भी आमंत्रित करना चाहती हूँ। जी नंदिनी और मोहित को हम आपकी तरफ से न्योता दे देंगे। जी बल्कि उन्हें हम अपने साथ ले आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए फिर ये भी सही रहेगा, लेकिन कहिएगा मैंने खास तौर पे कहा है। जी जरूर कह दूंगी। जी धन्यवाद, अच्छा रखती हूँ गायत्री बहन। राधे कृष्ण। कितनी देर हो गई अक्षरा तुम्हें, हमें फिक्र हो रही थी। माँ वो मैं मैंने इन्हें रोक लिया था, वो ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया तो सोचा कि साथ में आ जाए। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें एक फोन कर देना चाहिए था। खैर अब जाने दो, अभी अभी राजश्री बहन का फोन आया था, कह रही थी वर्षा की आने वाली संतान के लिए पूजा रख रही है। अच्छा, माँ को तो खुशी मनाने का अवसर चाहिए, कब से वो इस पल का इंतजार करेगी। अब
सारे अरमान निकालेंगी। माँ, मैंने सिक्के पॉलिश करवा लिए हैं, ये देखिए। हाँ, वो तो कह रहा था एक दो दिन बाद दूंगा। हाँ? मैंने कहा नहीं, आज ही करके दे दीजिए, अच्छे हुए हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैं आता हूँ। मैंने बोला तीज आ रही है, अभी करके दे दीजिए। तो मैडम हो रहा है ना असर धीरे धीरे। वैसे ये जेलेसी वाला फंडा काम तो कर रहा है, अब देखिएगा कैसे और नजदीक आ जाएंगे आप मेरे। भगवान जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। अब आपके दिल तक पहुंचने का टिकट है ये बिल। अक्षरा, 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 ये क्या कर रहे हैं आप नैतिक? आपने सब कुछ फैला दिया है। आप हटिए, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। अक्षरा वो मुझे फाइल नहीं मिल रही जिसमें हम बिल्स रखते हैं। वो तो हमेशा ड्रॉअर में होती है ना। आप एक काम कीजिए, आप चेंज करने जाइए, मैं निकाल कर दे देती हूँ। सब कुछ फैलाने की क्या जरूरत थी। चलिए आप जाइए। सुबह तो ये स्नेहा से मिलने गए थे और ये शॉप भी उसी मॉल में है, आज की तारीख भी है। ये किसके लिए खरीदी है? जरूर तेरे घर से ही फोन होगा, उन लोगों को तेरी याद आ रही होगी। हाँ अक्षरा का फोन है। अच्छा अच्छा, अब आराम से बात कर लेना। हुँ? मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। जी। हाय अक्षरा, कैसी है? मैं ठीक हूँ, अभी अभी अपने घर आई हूँ माँ के साथ और कुछ दिन यहीं रुकने वाली। हाँ, माँ से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था मुझे। और तू बता, पिछली बार कुछ परेशान सी लग रही थी, अभी ठीक है ना? वर्षा, तूने तो कहा था कि नैतिक मुझसे कुछ नहीं छुपाते हैं और स्नेहा के बारे में भी मुझे सब कुछ बता ही देते हैं खुलकर, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? वर्षा, मुझे इनके पास से एक बिल मिला है, साड़ी का बिल है, और इन्होंने वो साड़ी मॉल से खरीदी है, लेकिन वो साड़ी मुझे इनके पास दिखी ही नहीं और ना ही इन्होंने मुझे उसके बारे में कुछ बताया। अच्छा। हाँ, इन्होंने वो साड़ी स्टार मॉल से खरीदी है और ये स्नेहा से सुबह मिलने उधर ही गए थे। बुद्धू, उन्होंने वो साड़ी तुझे सरप्राइज देने के लिए खरीदी होगी। तू भी क्या क्या सोचने लगी, साड़ी तुझे गिफ्ट नहीं करेंगे तो किसी और को गिफ्ट करेंगे क्या? क्या? हाँ, ये सरप्राइज ही है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इन्होंने वो साड़ी मेरे लिए खरीद कर छुपा कर रख दी होगी, है ना? और मैं बुद्धू की तरह अटकलें लगा रही हूँ। देखा, वो तुझे कितना प्यार करते हैं, छुप छुप के तेरे लिए गिफ्ट खरीदे हैं, और उनकी बीवी है कि कुछ समझती ही नहीं। अच्छा हुआ वर्षा मैंने तुझसे बात कर ली, नहीं तो मैं इनसे पूछने जाती कि कौन है, किसके लिए है, तो ये मेरा कितना मजाक उड़ाते। बुद्धू समझते मुझे। अच्छा सुन, माँ को मेरा प्रणाम कहना।
और माँ के पास अच्छे से आराम कर ले। अच्छा अक्षरा, तुझे बाद में फोन करती हूँ। ये सुबह सुबह कहाँ चले गए? अब आपको पहले मेरा सरप्राइज मिलेगा। भाभी, ये ड्राइवर ने दिया है। दादा ने मॉल से शॉपिंग करी होगी तो इसे गाड़ी में ही छोड़ दिया। इसे वहां रख दो। तो इनका सरप्राइज भी आ ही गया। अच्छा, पहले ये मुझे साड़ी देंगे और फिर मैं शर्ट, क्या पहले मैं दे दूं? अब आप जॉगिंग करने गए थे नैतिक? कमाल हो गया ये तो। दादाजी नहीं है फिर भी? आज आपको क्या हो गया? थोड़ा सा फिट रहने की कोशिश कर रहा। अचानक से आपको फिट रहने की कहां से सूझी? अब तक तो दूर भागते थे। एक तो मोटा हो रहा हूँ, ऊपर से आप मजाक उड़ा रही हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, तंदुरुस्त आए। देखिए मैं क्या लाया। स्नेहा जी से जब मिलने गया था ना तो सोचा क्यों ना कुछ खरीद लूं। बहुत दिनों से प्लान कर रहा था। क्या? वो तो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए ये रहा आज का सरप्राइज। कैसा है? आपने ये खरीदा है? और क्या क्या लिया है? और ये कैसा है? ये तो टी-शर्ट्स हैं और इन्हें तो सिर्फ आप रात में पहनते हैं, और इतने ब्राइट कलर्स तो आप पहनते भी नहीं हैं। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन आज से मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये कलर्स पहनूं। पता नहीं ये कलर्स मैं पहले क्यों नहीं पहनता था। मेरे पास फॉर्मल शर्ट्स तो हैं ही, लेकिन अक्षर आप, मैं सोच रहा हूँ कि अब जिंदगी में मैं सब कुछ चेंज करूं, कुछ नया। देखिए कैसे लग रही? ऐसा लग रहा है ना कोई यंग स्मार्ट और डैशिंग लड़का है। बताइए ना कैसे लग रही? अच्छी। और दिखा दो। अच्छी है ये। अक्षरा वो क्या है? कुछ नहीं। दिखाइए। नैतिक कुछ नहीं है, आप जाने दीजिए। अरे एक बार दिखाइए क्या है। मैंने आपके लिए एक शर्ट ली थी, खैर अब काम की नहीं है। अरे दिखाइए ना, आप मेरे लिए सरप्राइज लाई। नैतिक आपको पसंद नहीं आएगा, मैं बोल रही हूँ ना। ये मैं डिसाइड करूंगा क्या। मैंने कहा था ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अरे रहने दीजिए। अच्छा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नैतिक ऐसे ही मत कहिए, जाने दीजिए आप। अरे क्यों, ऐसी शर्ट्स तो मैं पहनता हूँ, बल्कि ये शर्ट तो मैं ऑफिस की मीटिंग्स के लिए पहन सकता हूँ। देखिए
देखिए कैसी लग रही है। अक्षरा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे लिए इतना सोचा, एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। अरे स्वीटहार्ट, ये पैकिंग शैकिंग किस लिए? पैकिंग मतलब माउंट आबू के लिए। आप बताते उससे पहले ही मुझे पता चल गया। हाँ। अच्छा आपके फ्रेंड है ना अतुल, उनकी वाइफ कविता का फोन आया था, कह रही थी कि ऑफिस के सारे कलीग एक साथ जा रहे हैं माउंट आबू और साथ में फैमिलीज भी, मैं भी आपके साथ घूम लूंगी। अच्छा है ना, सबसे मिलना मिलाना भी हो जाएगा। वैसे आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? हाँ वो कल देर से आया था ना, भूल गया हूँ। वैसे नंदा जी अब तक कुछ फाइनल नहीं है। लेकिन कविता ने तो कहा था कि पैकिंग शुरू कर दो। हाँ वो हमारे बॉस ने कहा है ऐसा, लेकिन अब तक फाइनल लेटर नहीं मिला है। ये लो, मैंने तो अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी। चलो ठीक है पैकिंग कर लेते हैं, उसमें बुराई क्या है। अच्छा मैं कैमरा भी रख लेती हूँ। मोहित आपको जो जो सामान रखना है वो आप ही रख लीजिए। नंदिनी आप ठीक है? आइए। सॉरी ये कौन सी बुक है? ये दरअसल मैं आपके लिए लाया था। मेरे लिए? जी ठीक है, मैं माउंट आबू जाते समय इसी को पढ़ते हुए जाऊंगी। थैंक यू। वेलकम। अरे रेड कलर मेरा फेवरेट कलर है। अरे वाह क्या बात है, ये मुस्कान किसके लिए बिखरी हुई है? तू का भाई? मैंने पूछा ये मुस्कुराहट आई कहाँ से? आ गई कहीं से। तुझे क्या? अच्छा ठीक है मत बता, लेकिन मुझे पता है कि जिसने भी ये मुस्कुराहट तुझे दी है उसका फेवरेट रंग भी रेड है और तेरा भी, और शायद इसीलिए ये रंग तेरे गालों पर भी चढ़ रहा है। अब बस भी करो। अक्षरा आज कौन सी टी शर्ट पहनू बताइए ना। जो भी आपका मन करे, मैं आपके लिए दूसरी चाय लेकर आती हूँ, ये ठंडी हो गई है। अक्षरा मुझे एक बिल नहीं मिल रहा है। क्यों? नहीं वो बस मिल नहीं रहा है। अच्छा तो क्या आपने कोई साड़ी खरीदी है? मैं बिल के लिए पूछ रहा हूँ। आप बिल छोड़िए, चलिए लाइए दीजिए, आपका सारा राज खुल गया है। चलिए दीजिए ना, मेरा सरप्राइज बताइए। सरप्राइज? आप किस सरप्राइज की बात कर रही हैं? नैतिक आप बनिए मत, मैं इतनी बुद्धू हूँ क्या? दीजिए ना जल्दी, चलिए मुझे दिखाइए तो आपने कैसी साड़ी खरीदी, दिखाइए ना। आपके लिए साड़ी? आपने जरूर रेड कलर की साड़ी खरीदी होगी है ना? साड़ी आपके लिए नहीं, अब दे भी दीजिए नैतिक, मैं कब से वेट कर रही थी, अब देंगे तब देंगे, अब दीजिए ना जल्दी। वो मैं तो इन्हें जलाने जा रहा था, खुद फंस गया, अब क्या करो भागो। अच्छा मेरे लैपटॉप का चार्जर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जरूर मैंने हॉल में छोड़ दिया होगा, मैं लेकर आता हूँ। अरे लेकिन सर ये इन्हें क्या हो गया, ये कुछ बता क्यों नहीं रहे? ये रिश्ता क्या है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।